अगर आसान भुगतान के लिए आप भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि पीपीआई मर्चेंट लेन देन का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके मतलब की खबर है। असल में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 1 अप्रैल से प्रीपेड भुगतान उपकरणों का उपयोग करके किए गए मर्चेंट यूपीआई लेन देन पर 1.1% तक का इंटरचेंज चार्ज पेश किया है, जो कि ऑनलाइन व्यापारियों, बड़े व्यापारियों और छोटे व्यापारियों को किए गए 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर लगाया जा रहा है। हालांकि आम जनता बिना किसी चिंता के यूपीआई का इस्तेमाल कर सकती है और इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, पर फिर भी इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है, जिसे हम एक एक करके अपनी इस वीडियो में दूर करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरमे टाइम्स का विशेष, मैं हूं अंकुर शुक्ल। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि यह इंटरचेंज चार्ज क्या है और क्या यह सभी तरह के ऑनलाइन भुगतान में लगने वाला है या फिर यह एक खास सेगमेंट को प्रभावित करने वाला है। तो असल में यूपीआई ऑपरेट करने वाली एक संस्था है एनपीसीआई, जिसने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कुछ ऐसे मर्चेंट ट्रांजैक्शंस हैं जिस पर 1.1 की इंटरचेंज फी लगेगी, मतलब कि चुंगी लगेगी। यानी अगर पैसे देने वाला और पैसा रिसीव करने वाला दोनों के यूपीआई अगर बैंक से लिंक्ड हैं तो ट्रांजैक्शन पर 1 भी रुपए चार्ज नहीं लगेगा, मतलब कि कस्टमर और ग्राहक के बीच यह ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री होगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप अपने सब्जी वाले से 2,000 रुपए से ज्यादा की सब्जी खरीद लेते हैं और आप दोनों के यूपीआई बैंक से लिंक हैं तो फिर आप दोनों के इस ट्रांजैक्शन पर कोई फीस नहीं लगेगी। अब अगर पे करने वाला या रिसीव करने वाला दोनों वॉलेट यूज कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन का अमाउंट 2,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर दुकानदार को 1.1% की इंटरचेंज फीस देनी होगी। और अब आप मान लीजिए कि अगर आप एक वॉलेट यूज कर रहे हैं और जिस दुकानदार को आप पेमेंट कर रहे हैं वो अपना यूपीआई यूज कर रहा है पैसे रिसीव करने के लिए जो कि बैंक से लिंक्ड है, तो उस पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। जिसका सीधा मतलब है कि बैंक और प्रीपेड वॉलेट के बीच व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन या व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर नहीं लगाया जाएगा। वैसे हर जगह यह इंटरचेंज फी 1.1% नहीं है, क्योंकि ईंधन, शिक्षा, कृषि और उपयोगिता भुगतान जैसे श्रेणियों में 0.5-0.7% का इंटरचेंज चार्ज है। वहीं खाद्य दुकानों, विशेष खुदरा दुकानों और ठेकेदारों के लिए ये शुल्क अधिकतम 1.1% है। अब बात कर लेते हैं आम जनता पर इसके असर की। तो जान लीजिए कि इंटरचेंज शुल्क का भुगतान व्यापारियों द्वारा वॉलेट या कार्ड जारीकर्ता को किया जाता है। ऐसे में 2,000 रुपए से कम का भुगतान करने वाले छोटे व्यापारियों और दुकानदारों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। हालांकि कुछ मामलों में यह वॉलेट ऑन यूपीआई पर लागू होता है, जो भुगतान कंपनियों की क्षमता और उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।